टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में बने L2 हॉस्पिटल में जहां खाने को लेकर मरीजों में रोष है, तो वहीं डॉक्टर और स्टाफ ने भी खाने की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताते हुए देर रात हंगामा शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यह है बुलंदशहर जनपद के खुर्जा क्षेत्र कोविड लेवल 2 जटिया हॉस्पिटल। हाल ही में इसका उद्घाटन सीएम योगी ने लखनऊ से ही बैठकर किया था और दावा किया गया था कि यहां पर सब कुछ अच्छा मिलेगा। इससे पहले भी यहां मरीज स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा चुके हैं और कई बार हंगामा हो चुका है। उसके बाद खाने को लेकर हमेशा शिकायत बनी रही। अभी तक पेशेंट शिकायत करते मिल रहे थे, लेकिन आज जो है वहां काम कर रहे डॉक्टर कर्मचारियों ने खाने पर सवाल उठाया है। नर्सिंग स्टाफ ने किचन में पहुंचकर खाने की क्वालिटी, रोटी की क्वालिटी, दाल की क्वालिटी, दूध की क्वालिटी सभी को कैमरे में कैद किया। वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि मानक के अनुसार खाना नहीं मिलता, मात्रा पूरी नहीं मिलती और ना ही समय पर खाना दिया जाता है और खाना पॉलिथीन में पैक कर मरीज और स्टाफ को दिया जाता है। हंगामा इतना बड़ा कि कर्मचारियों ने मीडिया कर्मियों को हॉस्पिटल में बुलाकर रोष जाहिर किया। घटना की जानकारी कर्मचारियों ने CMS RC वर्मा को भी दी, जो कर्मचारियों की शिकायत को सुनकर मौके पर पहुंचे और देखा कि हालात कर्मचारियों ने जो बताए हैं उसके अनुसार ही है। उनका दावा है कि खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कर्मचारियों को पेशेंट को मानक के अनुसार समय पर खाना दिया जाएगा। सर, खाने का मामला ये है कि टाइम टू टाइम खाना नहीं आता और खाना सबसे ज्यादा बेकार आता है। बेकार ये है कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि खाने में हमारा सबसे ज्यादा ये डालडा पेल रहे हैं, तेल नहीं लगा रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि सब रोटी बिल्कुल कच्ची आ रही है, जिसकी वजह से हमारे पेट में भी दर्द होता है और कभी कभी लूज मोशन भी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हमारे लिए। हमने कम से कम 10-15 बार विरोध कर चुके हैं इस बात का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है इस बात पे। तो लेकिन अब हमने आखिरकार दोबारा आए, अब उसके बाद आए तब जाके इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आगे को सही करेंगे, लेकिन मुझे कुछ वो नहीं लग रहा कि आगे को सही करेंगे, ये कर पाएंगे। खाने में कच्ची रोटी है, दाल सुबह की शाम को मिलती है, और ये जो है सुबह की जो मीठा है वो भी शाम को मिलता है, और हमें प्लेट नहीं है, पिन्नियों में वो मिलता है खाना। सर, हमने कई बार शिकायत करी है, मगर एक दिन सुधरता है फिर भी वही हाल है, आज फिर भी वही है और खाना लेट मिलता है हमें। खाना बहुत गंदा आ रहा है, मैं पहले भी मैटरन मैम को इनको बता चुका हूँ, इनको पहले ही बताया कई बार, इन्होंने बोला आश्वासन दिया है खाना सही मिल जाएगा, पर खाना अभी तक भी गंदा आ रहा है। आज भी मरीजों वाले प्लेटें नहीं हमारे लिए, मरीजों वाले उसमें खाना दे के आए ये लोग, बिल्कुल गंदा खाना, खाने के बाद पेट खराब है। मैं तो खुद परेशान हूँ, यहाँ 6 दिन हो गए मेरे को यहाँ ड्यूटी करते हुए, एक भी दिन खाना ढंग का नहीं आया, एक भी दिन। पहले शिकायत की है मैंने, हमारे इंचार्ज मैम है, मैटर ने उनको बोला है। सर जी, विरोध तो खैर इसमें बहुत बड़ा है, इसमें क्या है कि खाना तो बिल्कुल नंबर थर्ड क्लास का था इस समय जो है। दूसरी बात क्या है, एक तो कच्ची रोटी है, दूसरी बात क्या है, ये लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा इंतजाम, अपनी तरफ से सब लोग सही कर रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं, ठेकेदार हैं या उनके बनाने वाले लोग हैं, जो भी हैं लोग हैं, ना तो हम CMO साहब का विरोध कर रहे हैं ना DM साहब का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में दिक्कत ये है कि हमारे को खाना ऐसा मिलना चाहिए जो सब लोग खा सकें। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सब लोग जो है ना काम करने वाले व्यक्ति हैं, अगर हम खाएंगे ना तो हम काम क्या करेंगे। खाना खाने के बाद में आप तुरंत के बाद ही 1 मिनट में बीमार हो जाओगे। वजह से रोटियां सही से नहीं सिक पा रही, जिससे कर्मचारी और मरीजों को परेशानी है। खाने की दाल में दिक्कत नहीं है, खुद मान रहे हैं कि मीठे में साइट्रिक एसिड गिर गया था। ऐसे में इस प्रकार का खाना सप्लाई करके केटरिंग स्टाफ भारी लापरवाही पेशेंट और कर्मचारियों के साथ भारी लापरवाही को अमल में ला रहे हैं। सर ऐसा है, एक तो आटा सही नहीं आ रहा है सर, आटे में शिकायत आ रही है, तो वो रोटियां ऐसी लगती हैं बिल्कुल कच्ची हैं, हम फिर भी सेकने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं, अगर ज़्यादा सेकते हैं तो जल जाती है रोटी। नहीं सर, ऐसा है दाल यानी कोई नमक कोई मिर्च अलग अलग सबके टेस्ट है सर, अब मैं बताओ सबको किस तरीके से दे सकता हूँ मैं। सर मेरे पास कोई आया चेक करे सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर जब चीज़ खराब है तो मैं उसको तुरंत हटाऊँगा।
मच्छर जो बेकार हुए थे मेरा तुरंत हटा दिए थे, ऐसा था उसमें मेरे हाथ से वो गिर गई थी एक सीसी सर, उसमें साटरी होती है वो गिर गई थी सर, तो वो मैंने दिए ही नहीं सर, सुबह खीर देता हूँ मैं, शाम को मिठाई देता हूँ। इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और इसे खाने में सुधार नहीं किया था कल ही इसके जो भी पहले पैसे काटे जाएंगे फिर इसको चेतावनी दी जाएगी, नहीं सुधार होगा तो और भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी। उधर सारी जानकारी सीएमएस द्वारा सीएम को दी गई तो सीएमओ मौके पर पहुंचे, कर्मचारियों से वार्ता की, सीएमएस से वार्ता की, खाने की क्वालिटी देखी, सभी शिकायत जायज मिलने पर उन्होंने ठेकेदार कर्मचारी को जमकर हड़काया और बताया कि फार्म के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, अगर ऐसी आगे शिकायत आई तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। हंगामे की जानकारी के बाद जहां स्वयं सीएमओ खुद कोविड हॉस्पिटल L2 पहुंचे तो उन्होंने जांच की, जांच में उन्हें जो खामियां पाई गई उससे नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ ने सप्लाई ठेकेदार और रसोईया पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस कोविड महामारी में रसोईया या ठेकेदार पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी बुलंदशहर DM द्वारा एक रसोईया और ठेकेदार पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन रसोईया और ठेकेदार पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार और सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़ बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।